क्या आपको पता है निशु देशवाल को पहले ही पता चल गया था कि उनके साथ कुछ अनहोनी होने वाला है। जानिए पूरा सच। तो निशु देशवाल का जन्म 2000 ईस्वी में पानीपत के एक छोटे से गांव कोराध में हुआ था। निशु देशवाल एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये 2017 में ट्रैक्टर स्टंटबाजी सीखे और वहीं से कैरियर बनाना स्टार्ट कर दिए। 23 की उम्र में उन्होंने 1 मिलियन फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पर और 1 मिलियन सब्सक्राइबर यूट्यूब पे कर लिए। लोग निशु भाई को टोचन किंग के नाम से जानते थे। निशु भाई के परिवार में उनके पापा, उनकी मम्मी और 2 बड़े भाई हैं। परिवार में सब लोग खुश थे। निशु भाई जो कमाते थे उन सबसे अपना घर बार चलाते और बाकी पैसे से अपना ट्रैक्टर मॉडिफाई कराते। और 2 साल पहले उनका शादी हुआ और वो अपनी बारात में अपना ट्रैक्टर भी लेकर गए। और फिलहाल उनके पास 1 साल का बेटा भी है। अब चलो जानते हैं कि निशु भाई को कैसे पता था कि उनके साथ कुछ होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों श्रीराम जी का नाम लेकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, सब लोग बेईमानी करते हैं, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। सब लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में निशु भाई के लिए ओम शांति जरूर लिखे। तो दोस्तों उनके पास 2 ट्रैक्टर था। उनके स्वराज ट्रैक्टर पे कई बार हादसा हो चुका था और स्वराज ट्रैक्टर पे ही स्टंट करते वक्त ट्रैक्टर पलट गया।